साथ साथ मिसेस रवि भी यहाँ पर है मिस शिखा बट शी इज नॉट शी इज नॉट ओनली ये उनके लाइफ पार्टनर है बल्कि बिजनेस पार्टनर भी है नॉर्थ इंडिया सेल्स हेड फॉर ग्रोइंग इंडिया प्रोजेक्ट शिखा बट लेडीज एंड जेंटलमैन शी इज आल्सो आर गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर टुडेज इवनिंग दो शब्द आपकी मधुर आवाज में भी सब सुनना चाहेंगे हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज नहीं आ रही हाँ गुड इवनिंग एवरीवन। ओके काफी मोटिवेट uh, कर चुके हैं uh, रवि सर ऑलरेडी uh, थोड़ी सी बात करूँगी काफी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ठीक uh, है तो स्टूडेंट्स के रिलेटेड ही बात होगी जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी जैसे कि सर ने बताया अपने करियर की स्टार्टिंग एंड मैंने देखा सर के उतार चढ़ाव काफी अभी भी देखती हूँ लाइफ में तो जो उन्होंने बोला है वो एक्चुअल में उसको फील फील और फॉलो दोनों करते हैं दोनों ऐप फॉलो करते हैं वो तो अगर आपको अपने गोल्स जैसे सर ने बताया कि गोल सेट करने तो आपको भी वो फील और फॉलो दोनों करने पड़ेंगे एक चीज मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगी देखिए क्या होता है लाइफ में किसी ना किसी को कभी ना कभी कुछ ना कुछ बनना ही होता है जब हम एट नाइन्थ क्लास में होते हैं या फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में होते हैं तो हमें डॉक्टर इंजीनियर या फिर सी ए सी एस ऐसा कुछ हम दिमाग में आता है कि हाँ मुझे सी ए बनना था मेरे भी दिमाग में था मुझे सी ए बनना था मेरे स्कूल में काउंसलिंग हुई और आपको पता है स्कूल में आते हैं उस फॉर्म्स वगैरह फिलअप कराते हैं मैंने आई डू फिलअप द फॉर्म एंड उन्होंने पूरा सेमिनार टाइप ऑफ हुआ पूरा स्कूल के हॉल में हमारे और मुझे समझ में आया मुझे सी ए बनना है उस टाइम मुझे समझ में आ गया मुझे सी ए बनना है अच्छा लेकिन लास्ट में उन्होंने जाते जाते एक बात ऐसी बोल दी कि बेटा बस ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी बस इतनी पढ़ाई करनी कि जब आप चेयर से उठो तो चेयर के जो निशान होते हैं वो आपके बैक में होने चाहिए मैंने कहा है ये तो बहुत ज्यादा हो गया तो उस टाइम से मेरे दिमाग से निकल गया नहीं मुझे सीए नहीं बनना मुझे सीए नहीं बनना तो हमें अपनी लाइफ के गोल ऐसे सेट करनी चाहिए कि वो फिजिबल हो उसके लिए तीन चार चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं जो शायद मैंने अपनी लाइफ में फॉलो करी हैं जो यहां पे जितने सैनी सर दीपक सर खड़े हैं शायद ये लोग भी किसी ना किसी रूप में फॉलो करते हैं सबसे पहले आपको अपने लिए कंपेनियन डेस्टिनेशन ढूंढना पड़ेगा उसका मतलब होता है कि जैसे सपोज आई एम एन इंजीनियर तो मेरे फ्रेंड सर्कल जितना भी होगा वो इंजीनियर वाला ही होना चाहिए कई बार हमारे मम्मी पापा बोलते हैं हम पढ़ते नहीं है या पूरे दिन हम टिकटॉक या आजकल इतने सोशल मीडिया अपडेट्स आ चुके हैं इतनी सारी गैजेट्स आ चुके हैं कि हम उन्हीं में ही हम बहुत ज्यादा बहुत बिजी रहते हैं हम पढ़ते ही नहीं है तो हमारे मम्मी पापा इतने परेशान हो जाते हैं कि ये तो पढ़ता ही नहीं है इसका क्या इलाज हो या ये पढ़ती ही नहीं है इसका क्या इलाज हो तो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रही हूं आप जो मर्जी करो अपनी लाइफ में जितना मर्जी इंजॉय करो और खुल के हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा आपकी ये एज है आपको कोई भी मना करता है टीवी देखने से मत रुको देखो कोई भी मना करता है मोबाइल चलाने से मत रुको देखो लेकिन सबसे पहले अपने प्लान जो आपके काम है आप स्कूल से आए आपको होमवर्क मिला अपना होमवर्क कर दो उसके बाद पूरे दिन टीवी देखो आपकी मम्मी आपको कभी कुछ नहीं बोलेगी आप कॉलेज से आए आपको असाइनमेंट मिला अपना असाइनमेंट कर दो आपको टीचर्स कभी कुछ नहीं बोलेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपना प्लान वर्क करना है जो आपकी स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप वो कर दोगे तो आपकी धुलाई कभी नहीं होने वाली ठीक है थैंक यू दिस शिखा शिखावट इन फ्रंट ऑफ यूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द होगी मुलाकात तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए धन्यवाद